नमो नमः अंशु जी। अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है? मुआ जी, आपको आवाज आ रही है? अंशु जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? नमो नमः। मुआ जी, बिल्कुल आ रही है। संध्या शुभ संध्या। अभी आप आ गए पुणे? हाँ, पुणे में आ गया। और अभी और कौन आ रहा है? नवीन जी आएंगे शायद। हाँ, तो एक मिनट है, मैं अभी आई। जी अंशु जी, आई एम हियर। हाँ, मैं जस्ट देख रहा हूँ कौन आ रहा है। तब तक मैं डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। रुको, तो मम जवनिका पश्यतु वा नो मोहमोज।
इदानीं नो अब हो रहा है पश्यसि पश्यामि पश्यामि हाँ तो ये समय वाला अच्छे से समझ में आ गया था ना पिछली बार जी पंच न्यून पंच विंशत्यधिक दश अधिक सार्ध तो सार्ध सपाद और पादोन ये तो हमने पहले भी कर लिए थे बाकी जो और बीच बीच के समय हैं उनको सीधे उसका जो भी अंक है उसके साथ बोलते हैं रिकॉर्डिंग चालू हो गई कि नहीं हाँ रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड क्या मौजी लगा रखी थी मैंने कहा मैंने देखा था रिकॉर्डिंग चालू है हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चालू हो गई और ये वाला आपको याद है मा गृध कस्य स्विद्धनम ये वाला मा गृध कस्य स्विद्धनम याद नहीं आ किसी और के धन की इच्छा मत करो बहुत ही सरल सा अर्थ है और ये वेद में से है तो ये किस में से बताया था मैंने ये जो ऋग्वेद में से है जी 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 हाँ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऋग्वेद बात देखते हैं कहाँ रह अच्छा अभी तो अपन दोनों ही हैं अभी भी आ रहे हैं नवीन जी उन्होंने मैसेज शायद डाला ग्रुप पे अभी आ रहे हैं क्या हाँ डाला उन्होंने मैंने नोटिफिकेशन देखा हाँ ठीक है तो हम ओम का उच्चारण शुरू करते हैं तब तक और भी आ जाएंगे
बस अब आप आंखें खोल सकती हैं। तो एक चीज मैंने यहाँ पे हमने पहले की है कि नहीं मुझे क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा शब्द है, कृष्ण फलकम, इसका अर्थ आपको पता है? ब्लैकबोर्ड। हाँ, कृष्ण फलकम ब्लैकबोर्ड, जो कक्षा में उपयोग होता है, विद्यालयों में और भी कई जगह। और इसी से ये भी पता चलता है कि फलकम इज एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड। राइट। तो अगर ऐसे बोला वुडन बोर्ड बोलना है तो लकड़ी को क्या कहते हैं? कास्ट फलकम। कास्ट, राइट। तो आप कास्ट फलकम, कास्ट फलकम कह सकते हैं। एक और इससे मिलती जुलती मिलता जुलता शब्द बनेगा, श्वेत फलकम। सर्वेशाम नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रही थी क्या मोहाजी, अभी जो मैं ये लिख रहा था यहाँ पे? नहीं, अभी आई, आपने बोला उसके बाद। ओ, तो अच्छा, मुझे लगा कि शायद दिख रहा। आप केवल कह रहे थे। हाँ, अभी दिख रहा था, दिख रहा है। ठीक है। और अभी वो मुश्किल तो नहीं है ना, स्क्रीन में एक साइड जो वो नहीं, ऊपर आता था, ऊपर का एक पोर्शन कवर होता था, इसमें नहीं। ठीक है। तो नवीन महोदय, अब भी हमने ओम का उच्चारण समाप्त किया। और हम ये फलकम जो होते हैं, बोर्ड्स अलग अलग, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वुडन बोर्ड, फलकम, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर देख रहे थे। हम तेलुगु में भी उसको फलका बोलते हैं। अच्छा,
उसको कृष्ण फलकम ऐसे बोलते हैं या फिर सिर्फ फलकम ऐसे कुछ पहले बोलते तो फलकम काला ही था ना, अभी अभी श्वेत आने लगा है, मगर पहले तो काला ही था, तो उसके उसके हाँ लिए स्पेसिफिकली कृष्णा बोल के कुछ प्रीफिक्स नहीं था, आप बना सकते हैं अभी क्योंकि दोनों हैं तो आप बना सकते हैं कृष्ण। अस्तु अस्तु। तो कृष्ण फलकम, काष्ठ फलकम, श्वेत फलकम। काष्ठ फलकम का अर्थ क्या है? काष्ठ काष्ठ क्या है? वर्ण है? ओ ओ काष्ठ लकड़ी का, वुडन। लकड़ी का। हाँ और एक शब्द हमने अभी पिछले कुछ कक्षाओं पहले उसकी चर्चा की थी, उत्पीठिका। तो वो शब्द जो है उत्पीठिका होता है। मुझे ऐसा, होता हाँ, तो मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि हमने उत्पीठिका शायद लिखा था शुरू में। तो आज मैंने कुछ एक दो दिन से मैं एक भाषण सुन रहा था, तो उसमें उत्पीठिका दो तीन बार उपयोग हुआ। तो फिर मुझे नजर समझ में आया कि उत्पीठिका अलग से ठ जो है, ठ का उच्चारण करना। वो महा महाप्राण महाप्राण, बोलते हैं उसको, महाप्राण। हाँ। तो ठ जो है वो महाप्राण उच्चारण अच्छे से हाँ करना है। तो उत्पी, थोड़ा हवा बाहर निकलना है जब उच्चारण कर, हाँ, उत्पीठिका। हाँ महाप्राण। महाप्राण अक्षर के लिए, और अल्प अल्प प्राण के लिए देयर इज नो नीड, टा टा बस। टेबल। तो हम कोई भी टेबल यदि है तो उसको उत्पीठिका कह सकते हैं। तो पिछली बार हमने पेड़ के कौन लिए कौन कोई सी अलग शब्द उत्पीठिका नहीं सोची होता, थी? आसन ही एक शब्द रहेगा। चेयर आसन रहा। आसंदन, आसंद होता है हाँ कुर्सी के लिए। आसन, आसन हिंदी शब्द है आसन? नहीं, संस्कृत शब्द है आसंद। नहीं, मैं वही कह अपुत्र रही हूँ, मैं कह आसन। रही हूँ कि आसन हिंदी शब्द है, कि आसंद अगर संस्कृत है। हाँ, आसन हिंदी शब्द है लगता है मुझे अंजू तो। जी, कुर्सी कैसे लिखा आपने? आपने कुर्सी कैसे लिखा? आप उसे डिलीट करो। ये उर्दू शब्द है, आपने उर्दू शब्द कैसे नहीं, लिखा? मैं उल्टा, पहले मैं सोच रहा था संस्कृत लिखना है वो, लेकिन वो पहले लिख दिया, तो अब मैं उसको आगे पीछे, पहले यहाँ संस्कृत के शब्द लिख रहा हूँ ना मैं, तो इसको भी पहले लेफ्ट में लिखते हैं, बाईं तरफ। हाँ, कुर्सी मेज। हम लोग कल ये सीखे थे, ऊपरी अधः दाएं बाएं के लिए और कुछ है वो भी भूल गया मैं। दक्षिणावर्ती, वामावर्ती, वैसे कुछ था क्या दाएं बाएं के लिए? हाँ, ऐसे ही कुछ था। हाँ एक मिनट मैं बताता सम्यक। कथम कथम किमर्थम, वो दोनों सीखा था। और ये कुर्सी जैसी लग भी रही है कि नहीं? रही है। हाँ लग रही है। आसनो तो अब आसन जो है, लेकिन हिंदी में उस
थोड़ा ज्यादा उसका विस्तृत अर्थ है। हाँ, तो टेक ए सीट ऑल्सो, यू से आसन कीजिए कुछ हाँ, ऐसा। आसन ग्रहण कीजिए। तो हाँ हाँ आसन हमेशा कुर्सी के लिए अकेला नहीं होता, आसन मतलब कोई भी बैठने की जगह। तो जी हम वो एक बिछा के भी करते हैं ना, छोटे छोटे आसन, पीस पीसेस ऑफ व्हाट डू यू से, दरी के पूजा में पीसेस रहते हैं। आपने दरी सुना है ना नवीन जी, पीसेस ऑफ क्लॉथ, हाँ पीसेस ऑफ क्लॉथ विच वी यूज ड्यूरिंग पूजा और इवन ड्यूरिंग पूजन आवर करते समय। भोजन और योग, सो इवन हाँ दोज आर कॉल्ड आसन्स। हाँ तो वी हम लोग भी अपने, जैसे जो रसोई घर है, स्वयं पाक गृह, वहाँ पे चार पांच आसन हमेशा रखे रहते हैं। तो किसी को नीचे बैठना है तो बस वहां से उठाओ, रखो और उसके ऊपर बैठ जाओ नीचे बिछा के। आपने रसोई घर के लिए स्वयं पाक कहा ना, स्वयं पाक, मराठी में एकदम सिमिलर शब्द होता है, सोय पाक। सोय पाक कराई चाहिए, लेकिन वो रसोई के लिए यूज होता है, मतलब कुकिंग के लिए बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ हाँ, कुकिंग। प्रोसेस ऑफ। तो हमने ये भी सीखा था कि हम जानामि कि आसंदह पुल्लिंग शब्द है। तो हमने किसी और से पूछा, तत् किम, देन दे कैन रिप्लाई, सह आसंदह, नॉट तत् आसंदह, क्योंकि आसंदह पुल्लिंग शब्द है। सेम थिंग विथ कूपी, कूपी इज अ बॉटल, राइट? सो तत् किम, इफ आई आस्क, देन दे यूज दैट इज, सिंस दैट इज फेमिनाइन, देन दे से सा कूपी। बट आसन द नपुंसक लिंग नहीं होगा, पुलिंग कैसे होता है समझ वो थोड़ा और एडवांस, में नहीं आया। व्हेन यू गो फर्दर देन दे हैव ब्रोकन सम नपुंसकलिंग शब्द आल्सो इनटू मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। हाँ हाँ, ये क्या, तो नहीं पर शब्द को देख के भी समझ में आ रहा है, जैसे आसंदह हाँ जो है ना, दह हाँ पे यदि वो खत्म हो रहा है, वृक्ष, विसर्ग से रामह, खत्म हो रहा है। हाँ बालकह, तो वो पुल्लिंग शब्द बालक, ही है। हाँ उत्पीठिका, तो ये सा उत्पीठिका, उत्पीठिका, सा उत्पीठिका। हाँ जलकूपी भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो सा जलकूपी या सा कूपी, जलकूपी या कूपी, दोनों में से जो भी उपयोग करना चाहें। हाँ जलकूपी भी बना लेते हैं एक, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है बट ये जलकूपी है। आपके पास स्टाइलस नए हैं आज? स्टाइलस है ना, उसी से तो ओ करो। है, ओके। तो ये देखिए, मैं पेंटिंग स्टाइलस से ही तो इतनी अच्छी करता हूँ, उसके बिना। और अच्छा करते हैं आज कुछ थोड़ा। हाँ कूपी मतलब बॉटल होता है, बॉटल होता है। हाँ कूपी, मुझे लगा पॉट है। नहीं पॉट, गठी, गठी है ना पॉट, घटम, तो एक घटम, सेकंड, हाँ घटम, एक सेकंड लिख लेते हैं वो भी, हाँ वही तो मैं सोच रही थी कि घट होता है ना वो, तो मतलब घट। कहावत में भी काफी यूज किया जाता है, हाँ घट घट में। घटा, घटी क्लॉक है, हाँ, तो घटी घटम क्लॉक। जो है पॉट या घड़ा। हाँ और घटी
घट्टी के साथ क्या लगेगा? स सा तत। सा 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 घट्टी। हाँ वाम आप जो अभी बोले थे वही लगी क्या? थोड़ी थोड़ी घड़ी जैसी। अब इन्हीं के हम बहुवचन भी यहीं पे लिख लेते हैं तो उसकी भी थोड़ी सी अभ्यास हो जाएगा। घटा वो पुल्लिंग शब्द दिखा रहा है इसमें। घटा पता नहीं मगर इसमें तो ऐसा लिखो घटा घटा लिखा हुआ है। घटा जो हमने पहले अभ्यास पुस्तक है ना, हाँ, तो इसमें घटा इधर देखिए आपको दिख रहा है। हाँ घटा लिखा हुआ है इधर। नीचे नीचे हाँ तो सह घटा भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। घटा हमने क ख ग घ जब हम कर रहे थे तब हमने किया था शायद। एक मिनट अभी हम वहां पे जाके चेक करते हैं। अभी हम 51 पे हैं। 51 बाकी के लोग को क्या हो गया? उत्तम प्रश्न। वैदेही और कौन? गीता जी, वैभवी जी। हाँ वैभवी गीता जी और रेगुलर थे ना वो। गीता जी आई थिंक शी सेड समथिंग उसका उनका कुछ मीटिंग्स है शी कांट मेक इट बट ये है घटा। हमने क ख ग घ जब हाँ, घटा हा, शब्दों का अक्षरों का कर रहे थे हाँ, घटा किया था। तमाम गंगा इधर बहुत बढ़िया आया आपका आर्टवर्क। हाँ नहीं अभी आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पे भी तो उधर फिर से आ जाएगा। अभी घट हम एक मिनट कहाँ पे है इधर। हाँ तो तत् घटम को हम कैंसिल कर देते हैं। सह घट जो है ज्यादा सही उपयोग है। ठीक और फिर घटी। तो अभी इन्हीं के हम यहाँ पे बहुवचन भी साथ में लिखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा वो भी अभ्यास हो जाएगा कि किस शब्द का कैसा होता है। क्योंकि ये चारों चारों पांच जो है अलग अलग तरह के शब्द हैं। कोई अकारांत है, कोई आकारांत है, कोई ईकारांत है, तो थोड़े से भिन्न होते हैं बहुवचन। तो उत्पीठिका का कोई बताएगा बहुवचन क्या होगा? उत्पीठिका उत्पीठिका न उत्पीठिका हाँ उत्पीठिका उत्पीठिका पीठिका तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का
बहुवचन आसान होता है, सिर्फ वो शब्द में विसर्ग लगा दीजिए तो वो बहुवचन हो जाता है, जैसे महिला महिलाः। हाँ, महिला महिलाः, बालिका बालिकाः, गीता गीताः। ठीक है, अब आसंदः जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसका भी सरल है। मुआजी कहाँ गई? मुआजी आसंदः, तो आसंदः जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे बालकः या रामः, संस्कृतः वृक्षः। उसको आकारांत जोड़ना चाहिए ना। हाँ, तो अब हम बालकः बालकाः ऐसा। हाँ, आचार्य महोदय, तो आपको क्विज क्विज जैसा बनाना आता है क्या? तो हाँ बनाऊंगा ना मैं, जैसे एक बार मैंने वो पेपर बना के भेजा था ना आपको, लास्ट मंथ, पिछले महीने भेजा था मेरे ख्याल। हाँ, तो आपको एक कहूट प्लेटफॉर्म के बारे में पता है? कहूट? कहूट हाँ, नहीं वो क्या है? ओ उसमें ऐसा गेम जैसा बना सकते हैं आप। तो आप क्या वीडियो रख सकते हैं या चित्र रख सकते हैं, नहीं तो खाली लिख सकते हैं और क्वेश्चंस ए बी सी डी ऑप्शंस ऐसा, और ट्रू और फॉल्स। तो कहूट क्या है, स्पेलिंग क्या है बोलिए? कहूट डॉट इट के के सॉरी के ए नो नो सी के एच कहूट इट डॉट इट ओ जावास्क्रिप्ट चाहिए उसको। हाँ, वो तो एक सेकेंड हो जाएगा। हाँ, इधर तो kahoot.com पे जाइए। हाँ, उधर क्लिक करिए तो इधर यू कैन साइन अप। फ्री वाला है तो फ्री वाला काफी होगा करने के लिए। अगर आपको मैं थोड़ा सैंपल बताऊं बोले तो बता सकता हूँ। मैंने ये तेलुगु मैं तेलुगु सिखाता हूँ ना इधर बच्चों के लिए, तो उनके लिए मैंने दो चार क्रीड़ा तैयार की थी इसमें। हाँ बताइए कैसे, प्रश्नों कोई लिंक है तो लिंक भेजिए तो हम करके देखते हैं। वैसे मैंने जो क्विज का सोचा है तो मैं सिंपल जो गूगल फॉर्म्स के थ्रू मैंने सोचा था, क्योंकि हाँ वो उसमें वो भी कुछ रिस्पॉन्सेज भी लोग कलेक्ट कर हो जाते हैं, और उसमें ये रेडियो बटन्स एंड कुछ कुछ ऑप्शंस हैं शायद। है रेडियो है, चेक बॉक्सेस है। हाँ हाँ तो पर हाँ, ये भी यदि अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपने आप लिंक मुझे भेजा तो नहीं, मुझे तो मेरे पास शेयरिंग का बटन है, मैं देख रहा हूँ अभी कैसा कर सकता हूँ। किस चीज का प्लेटफॉर्म है ये? क्विजेस और ऐसा क्विज क्रिएट कर सकते हैं, आपका गेम्स या क्विज ऐसा। अच्छा, मैं अभी साइन इन हो रहा हूँ, एक मिनट। इतने सारे वेबसाइट हैं, एक भी पासवर्ड याद नहीं रहता मुझे, रहता है कुछ 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 पर किसी को भी याद नहीं रहता।
तो आपकी अकेले प्रॉब्लम नहीं है नवीन जी। हाँ, और मैं आई डोंट लाइक टू यूज दोज पासवर्ड मैनेजर्स बिकॉज आई थिंक आवर ब्रेन इटसेल्फ शुड बी द पासवर्ड मैनेजर एंड नॉट समबडी एल्स। एग्जैक्टली, एंड इफ यू आर इवन या स्टोरिंग डिजिटली, देयर इज नो पॉइंट, यू आर हाँ गिविंग समवन द एक्सेस एंड ऑफ द डे. एक्सेस एंड ऑफ द या ये देखो, ये एक डेमो हाँ, चालू हुआ है तो मैं यहीं पे ट्राई करके तो देखा। मैं लॉग इन हुआ। अगर आपको मुझे शेयर स्क्रीन का परमिशन इफ यू कैन गिव मी आई कैन शेयर दैट। कैन यू गिव मी एक शेयर मिनट, हाँ स्क्रीन? मैं देखता हूँ। आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, असल में मैंने आपको एक दिख रहा डेमो है स्टार्ट किया। गेम पिन? हाँ हाँ, वो वर्क वाला जो लिंक था ना ऊपर, उसमें डेमो का लिंक था, हाउ इट वर्क्स, तो वो आ गया। हाँ तो नाउ इट अब उनके मोबाइल डिवाइसेस या टैब्स या डेस्कटॉप कुछ भी हो, वो पिन एंटर करना है। जो हाँ, भी खेल रहे हैं ये उनको मैंने पिन एंटर एंटर कर करना दिया अभी। है और नाम देना है, उनका नाम कुछ भी हाँ, नाम तो दो। ये तो लेफ्ट में मोबाइल का डेमो दिख रहा है तो मैं उसमें अभी एंटर कर रहा हाँ, हूँ। ए राइट, ए हाँ तो पिन डाला, अभी नाम डाला। ओके, हाँ आ तो इधर आ गया गया। उनको, जो भी इज कंडक्टिंग द एग्जाम, हूएवर, ही कैन सी द स्क्रीन ऑन द राइट। या ओ, यू बीन किक्ड आउट, ओके, क्यों? यू क्लिक्ड ऑन दैट नेम, राइट? ओ, सो तो या राइट यू साइड कैनॉट क्लिक ऑन द नेम। तो ये मैंने एंटर किया। ओके दैट गो। नेम इज टेकन, नीचे मैसेज आ रहा है दैट नेम इज टेकन, कुछ और दे दो वन। ठीक है, अभी तो स्टार्ट। स्टार्ट, नाउ यू से स्टार्ट, डिड यू से स्टार्ट? हाँ, इंट्रो क्विज इंट्रो बुक। प्लीज। हाँ, ये अच्छा है, गेम स्टाइल में चालू होता है पूरा ऐप जैसा। हाँ, ऐसा तो व्हाट इज कहूट, अ वर्ड, गेम व्हाट बेस्ड इज कहूट, लर्निंग, ए गेम गेम बेस्ड बेस्ड लर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, ये इधर सेलफोन पे वो रेड वाला क्लिक करना है। हाँ, इसमें दोनों आंसर है शायद, एक और मल्टीपल, दो, टू ओ आंसर्स तो हैं। उसने हाँ दूसरा तो क्लिक करने ही नहीं दिया। एज सून एज आई क्लिक्ड द फर्स्ट वन इट केम टू दिस वन। बट ठीक है, ओ आई अंडरस्टैंड, द ठीक है, हाँ प्लेटफॉर्म इज नाइस। हाँ अभी नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, पॉल। ट्रेनिंग क्वेश्चंस एट माय इवेंट ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। सेशंस, करेक्ट। तो हाँ, दिस इज गुड। ठीक है, नेक्स्ट, इसको एक्सप्लोर हाँ करेंगे बाद में, यू कैन वील एक्सप्लोर। सी। इसका लिंक मैं ओपन खोल के रखता हूँ अभी। सवार्ट। ठीक है, तो अभी बहुवचन उत्पीठिका का हो गया आसन दाहा। तो आसन दाहा, हाँ, दो तीन आसन दाहा बना देते हैं तो आसन दाहा पता भी चलेगा। ओके, फिर कूपी। कूपी का क्या होगा? कूपियाम, नो नो नो, कूपियाम तो षष्ठी हो जाता है, कूप्य ना, इज दैट राइट?
कूप्यः करेक्ट इकारांत इकारांत शब्द के लिए हाँ जैसे लेखनी तो लेखन्यः लेखन्यः हाँ लेखन्यः और वही घटी में भी होने वाला है क्योंकि वो भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है हाँ घट घट घट्यः घट्यः तो हमने और एक संस्कृतम वाला भी ज्वाइन किया है तो वो है स्पोकन स्पोकन वाला बट वो उसमें अंग्रेजी यूज करना मना है उत्तम उत्तमम अति उत्तमम और अंग्रेज वो एक नियम 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 है और एक नियम है कि देर इज ऐसा तर्क तर्क करना लॉजिक पैटर्न लॉजिक का आई मीन लाइक एनालाइजिंग करना अभी ये वर्ड ऐसा अकारांत है तो इसके लिए रूल क्या है वो सब पूछना मना है क्योंकि समझे कैसे क्योंकि जैसे बच्चे सीखते हैं जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं बोल बोल कर ऐसा ही सीखने का उनका मेथड है। ये कहाँ पता चला नवीन जी आपको? ये संस्कृत भारती का एक अच्छा संस्कृत भारती का ये हाँ उन लोगों का एक क्लास है। अरे वाह तो हमको भी बता दीजिए हम भी संस्कृत भारती की क्लास में आएंगे। अरे वो इंटरैक्टिव होता है तो कुछ ना कुछ नया नया सीखने मिलता ही है। हाँ हाँ आपको अगर लिंक चाहिए तो भेजता हूँ अगर उसमें कैसे जुड़ सकते हैं मतलब एनरोल आप कर सकते हैं पर भी हम कर सकते हैं ना। आई कैन कब होती है ये क्लास नवीन जी? ये क्लास अभी शायद मुझे पता नहीं वैकेंसी है कि नहीं मगर आप देख सकते हैं मैं वो लिंक तो भेज दूंगा आपको। मैं दो तीन क्लास है एक एक वार में तो यू कैन जॉइन एनी वन ऑफ देम। द वन आई एम इन इज एट वेनसडे एट 5:30 PM Central Time. That is 5 AM for you, I think. Wednesday 5 AM. अच्छा। अंशु जी अटेंड कर पाएंगे मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी सब। क्यों उठा देंगे हम आपको भी? ना बाबा। हाँ तो बोलो। नींद में उठ के संस्कृत सुप्रभातम। नहीं एक्चुअली ना संपदानंद जी की 6 बजे होती है मैं 5:30 बजे उठ रही हूँ मतलब इट्स सो गुड ट्रस्ट मी मतलब इतना अच्छा है बट मेरे को वही लग रहा है कि 2 हफ्ते हो गए मेरी नींद नहीं भाग रही है सुबह सुबह। ओह तो संपदानंद जी वाला अभी अटेंड कर पाए एक आध बार या अभी नहीं किया? 2 बार हो गया मेरा पिछले हफ्ते और इस हफ्ते। ओह उत्तमम थैंक यू उत्तमम उत्तमम धन्यवाद। वो आप लैंग्वेज करी भी इंस्टॉल करे हैं? हाँ 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 okay. लेकिन मुझे अभी मैंने ट्राई नहीं किया उसपे। मैं भी ट्राई नहीं किया मुझे भी ट्राई करना। हाँ वो अच्छा है। ओके okay. आपने प्रयोग किया उसका? हाँ उसमें और भी भाषाएं हैं उसमें क्या तेलुगु भी है कन्नड़ा भी है तमिल भी है पंजाबी भी है ऐसे 5-6 भाषाएं हैं भारतीय भाषाएं सारी। और एक एक गुरुकुल बोल के और एक ऐप है आपको गुरुकुल ए जी दिख रहा है ना जी
स्मॉल जी ऑरेंज में, हाँ हाँ रेड में ऑरेंज में, हाँ हाँ, तो ये गुरुकुल ऐप है। अच्छा, तो इसमें अभी इंग्लिश है मगर ये भाषाएं में है, संस्कृतम, हिंदी और तमिल। तो ये इसमें सारे महाभारत, रामायण, पंचतंत्र कथाएं सब है, संस्कृत में है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है और तमिल में है प्रस्तुत। अच्छा, बहुत बढ़िया। मगर तेलुगु में नहीं है, तो मैं ये ऐप ओनर और डेवलपर ने ओनर के कांटेक्ट किया था। उनका नाम है श्रीराम। वो इधर फ्लोरिडा में रहते हैं। अच्छा, तो वो तमिलियन है, तो उन्होंने एक साल उनका एम्प्लॉयमेंट को हॉलीडे किया और भारत देश पूरा घूमे और सोचा कि वो, उनको संस्कृत बहुत अच्छी तरह आता है, वो वेदों और सब संस्कृत में डायरेक्ट सोर्स से पढ़े हुए हैं वो। तो उन्होंने सोचा ट्रांसलेशन सब भाड़ में जाए, तो ही वांटेड इट टू पुट एवरीथिंग एज क्लोज टू द सोर्स एज पॉसिबल, सो ही इज डेवलपिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो तेलुगु में नहीं है उनका, तो मैं अनुवाद कर रहा हूँ उनका तेलुगु में, मैं और एक दो लोग। ये ऐप छोटे छोटे विलेजेस में बच्चों के लिए फ्री है, मगर बाकी के लिए फ्री नहीं है। तो मैं तो वॉलंटियर कर रहा हूँ, फ्री में अनुवाद कर रहा हूँ उनके लिए। आई डोंट इवन इफ दे वांट टू पे मी, आई डोंट वांट टू गेट पेड। करेक्ट। उत्तमम, गुरुकुल ऐप। हाँ, गुरुकुला, उसका नाम गुरुकुला है। और मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ, अमर चित्र कथा, वो तो पता ही होगा आपको, उनका भी ऐप है। हाँ, वो तो असल में बहुत अच्छा है, और मैं अभी सोच भी रहा था कि उसका जो सब्सक्रिप्शन वाला लिंक है वो सबको एक बार ग्रुप में शेयर करते हैं, क्योंकि उनके सब्सक्रिप्शंस बहुत सिंपल, बहुत सरल है। 1 ईयर का सम 400-500 रुपीस ऐसे कुछ है पर ईयर, एंड यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट दे पब्लिश। तो वो तो बहुत ही इजी है एंड बहुत चीप भी है, अत्युत्तम, एवरीबॉडी कैन टेक इट। हाँ, मेरा बहन की ये नाम से है ना, एसी के, हाँ हाँ, अमर चित्र कथा का बहुत बढ़िया। और संस्कृत का मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पे, किधर है, sanskritdocuments.org। तो दिस लिंक्स टू ऑलमोस्ट एवरी सिंगल रिसोर्स इन संस्कृत फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्सेस। तो इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का भी है, संस्कृत भारती का भी है, और भी कई सारे हैं। ये तमिलनाडु नाम क्या है, sanskritdocumentation.org, sanskritdocuments.org, मैं यहाँ चैट में भेजता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, ये धन्यवाद। तो इसमें एवरीथिंग, मतलब एवरी, ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल रिसोर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, कोई भी संस्कृत का स्रोत, इसमें सब उसकी लिंक्स हैं। तो काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब एक चालू करेंगे उसको ही खत्म करने में शायद 2-4 महीने लग सकते हैं, यदि आप डेडिकेटेड उसके लिए अलग से समय निकाल के करें। तो
उसके स्रोत तो बहुत हैं, पर जिधर से एक चालू किया तो एक को ही खत्म करने में समय लग जाएगा। हाँ तो हम मटेरियल कहीं से भी लेके आ सकते हैं क्लास के लिए। जैसे ये अर्श विद्या है, ये सुना है क्या अर्श विद्या? अर्श विद्या, स्वामी दयानंद सरस्वती कंडक्ट्स वेरियस क्लासेस, नहीं सुना है। ओ, स्वामी दयानंद सरस्वती पता है, मगर ये अर्श विद्या क्या है पता नहीं। वो सिर्फ उनका सेंटर का नाम है अर्ष विद्या सेंटर, जो ओ स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं आपको यहाँ, जैसे ये थोड़ा नीचे गए तो ये मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स में, theway.org.in, ओ द इसमें वे वेद है। हाँ वेद की तो ओ ये अरविंद आश्रम का ही था। अरविंद आश्रम। अरविंदो, अच्छा। जी, ये संपदानंद जी ने ही उस दिन। तो हाँ, अरविंदो का तो ज्यादातर पब्लिकेशन संपदानंद जी के ही हैं, मतलब जी उनके मार्गदर्शन में आते हैं। उत्तम। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ये कोई ऐप के बारे में है? बिकॉज ये तो क्लिक नहीं 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 होता है। ऊपर आप क्लिक करिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में फिर उसमें सारे दिखेंगे आपको श्लोक नंबर वाइज। ओ मंडला अच्छा, एक, तो इसमें ऑडियो भी होता है। ओ नाइस। तो वन पे मैं गया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ऑडियो आ गया, करेक्ट। अग्नि, अग्नि अग्नि अग्नि। ओ ये तो पुराना संस्कृत का अक्षर भी यूज कर रहा है। उत्तम। अग्निम इले पुरोहितम यज्ञस्य इले मूलम्। इले इले यूज कर रहा है वो। इले इले नहीं है, इले है। इले इले हाँ इले। मराठी में भी आता हाँ है वो अक्षर, तेलुगु हाँ में भी आता है ना वो अक्षर। हाँ तेलुगु में भी। में भी होता है ये। धन बहुत धन्यवाद, इसको बहुत हाँ बहुत धन्यवाद आप बुकमार्क दोनों को। करते हैं। माय प्लेजर। मैंने दोनों URL बुकमार्क कर लिया। हाँ, ये अच्छा बताया। ये हो गया बुकमार्क। तो ये इसमें भी एक है, ancientindians.wordpress.com, वोक अकेडमी ऑनलाइन, भक्ति वेदांत, वेद व्यास, श्री सत्य साई वेद प्रतिष्ठान। हाँ, इसमें वो वाला लिंक नहीं है, बट है। सवाट महोदया, नमो नमः। नमो ये वीडियो कैसा अजीब सा चल रहा है, एक सेकेंड। नमः। टिकट क्या करना है बोल देना, हम किसका? आपका टिकट का कल का क्या हाँ, चाहिए आपको? ये ये वाली एक बंद लाइट है, आती है क्या? नहीं बंद है अभी, फ्यूज बहुत दिन पहले फ्यूज हुआ था। अच्छा ठीक है, तो फिर रहने दो। पंकज नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः। सर्वं कुशलं वा महोदय। कुशलम्। सर्वं कुशलं वा मोहा महोदया। सर्वं कुशलम् अस्ति नवीन महोदय। उत्तमम्। हाउ वुड आई से, हैदराबाद में ठंड बिल्कुल नहीं है। I want to say that. हाँ आचार्य आचार्य महोदय, महोदय, साय,
What do you say? शीतम, शीत, तो नहीं नहीं मेरी हेल्प करी अगर मुझे कहना है तो क्या कहना है मामा आचार्य बोलते हैं मम सहायता प्रदान ओ नहीं नहीं मम सहायता होता है सहायता करो सहायता करो सी सहायता शब्द होता है सहाय ये एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्या अभी सहायकम होता है हेल्प शीत ऋतु नास्ति अभी तो संक्रांत वेरी डिसअपॉइंटिंग विंटर 31st के पहले थोड़ा सा था दो चार दिन अदरवाइज तो नथिंग especially I mean if you are in the city then it at least in November I think in December some weeks it was all the way down नहीं आप ऐसे बोलिए कि है ना दो तीन दिन गिन के like maximum week you can say one week it was like third week between second and third week it was like actually it went to 11 yeah that was good but I stay in Somaji Guda aapko pata hoga na Yashoda Somaji Guda pata yeah so I just stay very close to that okay good good udhar to bade bade concrete building nahi aa chuke hai na are I have two huge projects coming up ek to Rajbhavan road pe aa raha hai builders ka and then there is one of Pranava on this other side era manzil side my lane opens both the side and I have like this 10,000 rupees per SFT wala projects aa raha hai this one is high rise I think you might be knowing also there was this Hyderabad stock exchange hai aapko ha 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 uska case hua tha wo waise hi tha bhoot bangle ki tarah wo building ha 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 exactly at that location that case has been sorted out so from last maybe say ek do saal se wo construction chalu hua hoga ek saal se zyada ek saal se demolish hua tha pura to wahan pe 24 floors ka high rise aa raha hai oh to aur garmi badh jayegi aapko and I have a metro station right outside so you can imagine how that project will be ha one green kuch naam hai uska oh One Hyderabad, that's what my dad is saying. Oh, one Hyderabad. Okay. And then yeh side, toh, that is exactly facing the lake, the one which is on the Rajbhavan Road. Oh. Bhi kuch 15 floors ka hai, mere khyal se. I don't know how did they get the permission because, you know, Rajbhavan ke itne paas usually high rises allow nahi karne chahiye. Nahi allow karne chahiye, haan. Yeah, so, yeah. Sahaya. So it is a Sanskrit word? Sahaya or saha are ye kya ho raha sahaya aise do ya bhi likhte hain aur single ya bhi likhte hain aapka screen nahi dikh raha aap kahan likh rahe ho mujhe dikh raha hai acha ye nahi dikh raha aap nahi mujhe dikh raha hai ये ऊपर सहाय लिखा मैंने वो आपने घटा लिखा है घटिया लिखा है वो वाला दिख रहा है अब भाई आप कहां लिख रहे हो ये वो नहीं दिख रहा है ये देखो अच्छा अच्छा सॉरी 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 हां ऊपर सहाय तो मम सहाय कुरु आप सीधे उस तरह से भी बोल सकती हैं सहाय कुरु और शीतम नास्ति जैसे गर्मी गर्मी है बोलना है आपको तो आप बोल सकती हैं उष्णम अस्ति तो उष्णम अस्ति यदि ऋतु के बारे में बात करना है तो ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु या शीत ऋतु ग्रीष्म का अर्थ क्या है ग्रीष्म इज समर
ठीक है, लेकिन जब आपको ये बोलना है कि गर्मी है या गर्म मौसम है, तब तो फॉर ऋतु यू कैन से फॉर ग्रीष्म ऋतु अस्ति, पर आपको गर्मी लग रही है तब ग्रीष्म नहीं बोलेंगे, तब उष्ण। उष्ण इज हीट, ग्रीष्म इज समर। करेक्ट। और शीत जो है वो दोनों के लिए है, मतलब शीत ऋतु के लिए भी उपयोग होता है और शीत ठंड लग रही ठंड के लिए भी आप शीत बोल सकते। तो शीत 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 तापमानम अस्ति या शीत हवामानम अस्ति, आप उस तरह से बोल सकते हैं। तो मोहा जी अब आप क्या कहना चाहती हैं? शीत शीत नास्ति नगरे शीत नास्ति, नहीं मुझे इसका लंबा चौड़ा सेंटेंस इस साल। तो लंबा चौड़ा क्यों बनाना है यदि सरल नहीं, क्योंकि मुझे सारे शब्द सीखने हैं ना। तो इस साल हैदराबाद में गर्मी मतलब सर्दी बिल्कुल नहीं थी। तो आप एतत एतत वर्षे एतत वर्षे अब वर्ष जो है नपुंसक लिंग है कि पुल्लिंग है। ग्रीष्म ग्रीष्म शीत ऋतु शीत ऋतुए और शीत ऋतुए कैसे ऋते नहीं शीत ऋते कैसे बोलते हैं षष्ठी समझी नहीं ऋते बोलते हैं क्या कैसे ऋतु ऋतु का उकारांत का ऋतु शब्द नपुंसक लिंग है ना। हाँ नपुंसक लिंग है मगर वो उकारांत में अंत हुआ ना, तो उसका सप्तमी सप्तमी विभक्ति कैसे बोलते हैं उकारांत का? आप वैसे क्या बोलना चाहते हैं? एतत वर्षे शीत ऋतु नास्ति, ऐसे कुछ बोलना चाहती है या फिर कुछ और? नहीं, शीत ऋतु में गर्मी बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं वही नहीं ऋतुवे तो ऋतुवे शीत ऋतु नास्ति, लेकिन हाँ इस साल हैदराबाद में या फिर उसको अगर और लंबा करना है आप जैसे और जैसे नवीन जी अभी बोले ना कि शीत ऋतु में शीत नास्ति, तो बहुत कम थी बहुत ज्यादा थी। शीत ऋतु उष्ण अस्ति या शीत ऋतु उष्ण अस्ति, ये क्या होता है शीत ऋतु उष्ण अस्ति? ठंडी में गर्मी, ठंडी के मौसम में गर्मी है। हाँ नहीं कम है। हाँ तो शीत नास्ति, शीत अधिक अधिकम नास्ति। वो ऋतु का क्या बोला आपने? ऋतुवे ऋतुवे बोलते हैं वो, इज दैट राइट? हाँ ऋतुवे शुड बी ओके। उकारांत का अभी हमने विभक्तियां शायद नहीं की है ना, अकारांत की है, आकारांत की है, इकारांत और इकारांत की है कि नहीं? इकारांत की मुझे नहीं लग याद आ रहा। वैभवी घटी इनके की है विभक्तियां? हाँ कि आई थिंक वी डिड। चलिए मैं उसको लिख लेता हूँ, इकारांत ई और उ कारांत। टमेटो जो स्लाइसेस आउट कर रहे हैं तो एकदम करो जब पतला पतला स्लाइस करो।
विभक्तियां। इसको दूसरे रंग में रंग देता हूं मैं, ध्यान में रहेगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने ये वाला पृष्ठ में क्या किया था? नवीन महोदय, झरह कथम प्रवहति या फिर झरम झरह कथम वहति? झरम बही ही वह पतति। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, झरह कथम वहति। कहाँ लिख रहे हैं आप? मैं असल में येलो कलर से लिखने लगा तो वो दिख रहा है क्या ऊपर? बहुत हल्का दिखा बाद में रियलाइज हुआ। ये वाला हाँ अभी दिख रहा आपने। हल्का दिख रहा है क्या? उसको रेड बहुत लाइट है। रेड कर दे। वैसे भी रेड कलर की विजिबिलिटी ज्यादा होती है। बहुत ही मतलब कथम मतलब कैसे कैसे ओ मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि कैसे बहता है? हाँ कैसे बह रहा है या कैसे बह रहा है? जरह पतति। हाँ तो आप पतति भी बोल सकते हो, जरह शीघ्रम वहति भी बोल सकते, या त्वरितम पर से नीचे गिरते बोलना तो पतति। वही नवीन जी वही बोले ना, लेकिन वो तो एक शब्द है, वो तो पतति है वो मैं समझी, बट मेरे को ये सेंटेंस ऊपर से नीचे गिरता है। ऊपरी ऊपरी से कैसे बोलते हैं? ऊपरी से इकारांत का तृतीया आपको लेनी होगी, तो इकारांत की तृतीया, इकारांत की हमने की है क्या अभी? ऊपरेण नहीं लेखनी, एक सेकंड, इकारांत की तृतीया ओके। पर ऊपर से नीचे आपको क्यों बोलना है? ऊपर से नीचे टू मच ऑफ ऊपर और नीचे का मुझे शब्द जानना है संस्कृत का, इसलिए ऊपरी ऊपरी और अधो अध मुझे ये सेंटेंस संस्कृत में फॉर्म करना है इसलिए। हाँ ऊपरी अधः, तो आप झरह ऊपरी ऊपरी से के लिए उसका तृतीया जैसे आचार्य महोदय बताए। एक मिनट में निकाल रहा हूँ। ऊपरी ऊपरी का तृतीया रखना है और पतति बस, और आधा ओ आधा पतति उसके पहले आधा भी ऊपरी से आधा पतति। हाँ तो अब पतति है तो ऊपर से वो अलग हो रहा है और नीचे की तरफ आता है, तो अलग होने वाला जो क्रिया है वो पंचमी होती है। ओ तृतीया नहीं, तृतीया जो है वो उसकी मदद से या किसी के द्वारा वाला जो है वो तृतीया है। हाँ हाँ ठीक है, और तो अलग होने वाला जो हाँ पंचमी आएगी, पंचमी होती है। तो ऊपरी के लिए पंचमी जो है ऊपरेह है। ऊपरेह ओके, तो जरह ऊपरेह अधः पतति। हाँ तो ऊपर से नीचे गिर रहा है। हम्म,
हाँ तो उत्तर में आप बहुत सारे उपाय हैं आपके पास, कथम वहति तो कैसे बहता है मैं पूछ रहा हूँ, तो आप ये भी जैसे मुआजी बोलना चाहती हैं कि ऊपर से नीचे बहता है। हाँ जलम इस ऐसे भी बोल सकते हैं, जलहम शीघ्रम शीघ्रम वहति। हाँ तो मैं उसी पे आ रहा था अभी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि धीरे धीरे बह रहा है या जल्दी जल्दी बह रहा है, तो धीरे धीरे में शनै शनै या फिर त्वरितम या शीघ्रम मतलब जल्दी बह रहा है, और ऊपर से नीचे बह रहा है वो भी चलेगा। शनै शनै तो तो झरा शनै शनै वहति मंदम भी। मंदम है ना, मंदम नहीं मध्यम बोल सकते, मध्यम मंदम 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 भी ऊंचाई ही चलेगा। गर्ज। इधर एक उदाहरण है तो सिंह ऊंचाई ही गर्जति, बालिका शनै ही गायति। तो तो बालिका धीरे और गाती है और सिंह जो है जोर से दहाड़ करता है, दहाड़ मारता है, हाँ गर्जति गर्जना करता है। हाँ। तो शीघ्रम शीघ्रम के लिए उदाहरण है अश्व अश्व शीघ्रम गच्छति या शीघ्रम शीघ्रम धावति। गच्छति हाँ। हाँ तो कूर्मः मंदं गच्छति हाँ तो मंदम भी हम ले सकते हैं, मंदम भी चलेगा। टंकन यंत्रम टाइपराइटर और यहाँ पे एक और प्रश्न भी हमने उस दिन रखा था, झरात किम शक्ति उत्पन्न भवति या फिर किम शक्ति उद्भवति। विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति विद्युत दीपः विद्युत शक्ति तत्कारणे विद्युत दीपः प्रज्वलित ज्वलित प्रज्वलित 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 हाँ उत्तमम प्रज्वलित होता है भवति भवति। हाँ प्रज्वलित भवति तत्कारणे तो एक हम बहुत ध्यान से हमारे दिमाग में रखना है कि भवति भवति इज होता है और भवती इज हाँ दैट राइट सो इज फेमिनाइन सो यू आर आस्किंग भवती भिक्षाम देहि ऐसा तो वो भवती जो है बड़ी ई की मात्रा है। हाँ तो वो याद रखना तो हाँ ठीक, तो अच्छा अच्छा आपने अभी देखा कि दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, भवति और भवती, और हाँ मात्रा के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। हाँ हाँ शुकस्य चंचुह किम वर्णम अस्ति। रक्तवर्णे रक्तवर्णम अस्ति शुकस्य चंचुः रक्तवर्णम् अस्ति।
अब टंकण यंत्रम जो है टाइपराइटर है। और टंकण यंत्र कीबोर्ड भी है, तो हम जो अपना कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ उपयोग करते हैं उसको, वो भी वही चीज़ है, क्योंकि टंकण वहां पे भी होता है कीबोर्ड। सो टंकण यंत्रम उपयोग प्रयोग करोसी भवतः भवान नवीन महोदय। आम अहम उपयोग अहम उपयोग भवतः संगणक यंत्रे टंकण यंत्रम अस्ति वा? मम संगणकयन्त्रे टङ्गणकं मम संगणकं यन्त्रे टङ्कनयन्त्रम् अस्ति। आम् तमाम। ठठकः। हाँ, तो ठटक एक नया शब्द लगेगा जो बर्तन बनाता है और खटेरा रिपेयर करता है। खटेरा हाँ, तो हिंदी में इसी के लिए ठठेरा होता है। ठठेरा। ये दोनों चीजें एक्सटिंक्ट हो चुकी है, टंकण यंत्र और ठटेरा। वैसे टाइपराइटर एक्सटिंक्ट बहुत क्या ज्यादा नहीं करेंगे, देखते। प्रयोग न अस्ति एक्सटिंक्ट के लिए, नहीं, लुप्त अस्ति। लुप्त अस्ति। पर फिर भी मतलब प्रयोग नास्ति बहुत वो तो सिर्फ आवश्यक मतलब नहीं है। उपयोग हाँ। उपयोग में नहीं आ रहा है, वो ऐसे हो गया। लुप्त अस्ति ज्यादा सही होगा उसके लिए कहना। तो जो बर्तन रिपेयर करता है और उन उनको बनाता है वो ठठेरा है, ठटक है। तो ठटक किम करोति महामहोदया? पात्रे बनाता है, कुछ कहेंगे। आप पात्र निर्माण करोति सीधे बोल सकती निर्माण हैं। पात्र निर्माण सिंगल शब्द यदि बना दिया तो आपको अलग से बनाना। पात्र। हाँ, पात्र निर्माण करोति। डमरूह कुत्र अस्ति? डमरुः शिवेन हस्ते अस्ति। कैसे बोलते हैं? नो, शिवेन ने शिव के पास। शिवः। हाँ, शिवः हस्तेन अस्ति। डमरुः शिवः हस्तेन न हस्ते अस्ति। हस्ते अस्ति।
मैं शिव जी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं शिव जी जब से लग भी रहे हैं कि नहीं। योगी इनको त्रिशूल भी पकड़ा देता हूँ एक हाथ में और ये इनका डमरू है। डमरूह शिवस्य समीपे अस्ति, आप वैसे भी बोल सकते हैं कि शिव के पास होता है, या शिवस्य हस्तेन हस्तेन नहीं हस्त हाथ में हस्ते राइट हस्ते हाँ शिवस्य हस्ते अस्ति हस्तेन तो तृतीया हो जाएगी। शिवस्य हस्ते डमरूह, कई वाक्यों में अस्ति नहीं भी लगाया तो उसका अर्थ वही रहता है, तो आप सीधे इतना भी बोल सकते हैं शिवस्य हस्ते डमरूह। कई जगह पे अस्ति लगाने से थोड़ा अर्थ ज्यादा क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, तो वहां पे लगा सकते हैं स्पष्ट 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 हो जाता है। तो अभी कितना बच गया, अरे सार्ध अष्टवादनम सार्ध अष्टवादनम हाँ आपके लिए सार्ध अष्टवादनम कह समय है भोजन समय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ, एक सेकंड नवीन जी। पीजम का संस्कृत वर्ड बोलिए। आपके प्रश्न बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ही निकलते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पिज्जा का संस्कृत शब्द पिज्जा पिज्जा अच्छा प्रश्न है। मम गृहे रात्रि पित्त रोटी का ऐसे कुछ है क्या, पिड रोटी का या क्योंकि रोटी का इस रोटी ब्रेड जो जनरल शब्द है रोटी के लिए तो कुछ तो रोटी का आपको पता है या आप सिर्फ बनाना चाहते हैं। तो मैंने पूछा उनके घर में भोजन आज पिज्जा बना, आज मेरे घर में पिज्जा है। मम गृहे रात्रि भोजने अद्य मम गृहे रात्रि भोजने इतालवी रोटिका अस्ति इतालवी रोटिका फिर पास्ता पास्ता के लिए हाँ कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो अब ये तो नाउन्स है ना, तो आप पिज्जा को पिज्जा कैसे यूज करेंगे, ये नाउन है तो पिज्जा को पिज्जा कह सकते हो। भोजने पिज्जा अस्ति हाँ पिज्जा अस्ति अस्तु। चलिए तो अब कक्षा समाप्तम करोमि। सर्वेषां नमो नमः, शुभ रात्रि शुभ दिन नवीन महोदय। धन्यवाद, शुभ रात्रि शुभ दिवस नवीन महोदय, पुनर्मिलामः। धन्यवाद, पुनर्मिलामा बोलते समय पुनर्मिलामा जब संधि करते हैं तो वो नह का साउंड जो है वो पुनर हो जाता है, तो आप दोनों उपयोग कर सकते हैं, पुनः मिलामा भी कह सकते हैं और पुनर्मिलामा भी कह सकते हैं। पुनर्मिलामा अग्रे वारे कैसे बोलते हैं, अग्रे भानुवासर हाँ रविवासर या भानुवासर रविवासर रविवासर या भानुवासर
कुछ लोग आदि आदिवासर भी बोल रहे हैं। तेलुगु में ज्यादा यूज होता है ना आदिवार। हाँ तेलुगु में आदिवार। अच्छा अच्छा आदिवासर उत्तमम। अस्तु शुभरात्रि। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः।